इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति कैलाश सहारा की कंपनी रुचि सोया को बेचने का मामला इन दिनों चर्चा में। कर्ज में डूबी कंपनी रुचि सोया की घटती संपत्ति और गुणवत्ता का मुद्दा उठाए जाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद उसका अधिग्रहण करने जा रही है। रुचि सोया के लिए सर्वाधिक बोली लगाने वाले अडानी विल्मर ने आरपी को एक पत्र लिखकर दिवालिया प्रक्रिया पूर्ण होने में हो रही देरी के कारण खाद्य तेल कंपनी की संपत्ति गुणवत्ता घटने का मुद्दा उठाया है। इंदौर की कंपनी रुचि सोया के खिलाफ कारपोरेट रिजोल्यूशन प्रक्रिया CRRP December 2017 को शुरू हुई थी। अडानी विल्मर ने रुचि सोया का अधिग्रहण करने के लिए 6,000 करोड़ की बोली लगाई थी और उसे अगस्त में सबसे बड़ी बोलीदाता घोषित कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने हालांकि आरपी को लिखा है कि समाधान प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है जिसके कारण संपत्ति की गुणवत्ता घट रही है। उसने आरपी से सवाल किया है कि वह कम गुणवत्ता वाली संपत्ति को पहले लगाई गोली बोली पर क्यों खरीदे। सूत्रों ने यह भी कहा कि रुचि सोया के कर्जदाताओं के फैसले के विरुद्ध पतंजलि के नेशनल कंपनी LCLT पहुंचने के कारण समाधान प्रक्रिया में देर हो रही है। इसी बीच यह पता चला है कि पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला का कहना है कि कंपनी अब भी रुचि सोया का अधिग्रहण करने के लिए इच्छुक है। पतंजलि ने रुचि सोया के लिए 5,700 करोड़ की बोली लगाई। उन्होंने कहा यदि हमें अनुमति मिले तो हम रुचि सोया को खरीदने के लिए तैयार। पतंजलि ने कर्जदाताओं की समिति COC को लिखा है कि वह ऑफर के बराबर भुगतान कर दे। तिजारावाला ने यह भी कहा कि रुचि सोया की संपत्ति गुणवत्ता घटी है फिर भी हम उसका अधिग्रहण करना चाहते।